आज जेई मेंस का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है वही सब क्वेश्चन हम बतला रहे हैं आपको। ये आपका जनवरी अटेम्प्ट का है, 9 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस, आपको ये आपको कॉस इनवर्स आई 2/3x प्लस कॉस इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2 हेयर एक्स इज ग्रेटर देन 4 देन आपका एक्स इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन से आपको हल करना है। ये हम लिखे हैं, यह अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए फार्मूला यहाँ क्या यूज होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² इंटू 1 - y² यदि यहाँ माइनस रहता तो आपको कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस प्लस आपको अंडर रूट 1 - x² इंटू 1 - y² ये यूज करते तो आपका, अब इसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है कॉस इनवर्स। अब आपका यहाँ यूज कीजिए, इसको एक्स सपोज कीजिए, इसको वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई यह फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये यही फार्मूला का यूज किया जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² एक्स ये है तो 4/9x² इंटू 1 - y² वाई ये है 9/16 आपका x² इक्वल टू π/2 देन आपको कैंसिल कर देते हैं टू आपका हो गया 1/2x² 1/2 से 2 कैंसिल कीजिए 4 और 3 3 आपका 2x² हो जाएगा। माइनस प्राइस को भी सोल्व कर देते हैं 9x² माइनस 4y आपका 9x² इंटू अंडर रूट 16x² माइनस 9/16x² इक्वल टू आपको कॉस π/2 कॉस इनवर्स है, राइट साइड कर दिए तो कॉस आपका कॉस π/2, कॉस π/2 का वैल्यू आप जानते हैं आपका 0। अब आपको इसी को सॉल्व कर देना है, आपका अंडर रूट 9x² माइनस 4/9x² इंटू 16x² माइनस 9/16x² इज इक्वल टू आपका 1/2x² ये क्या हो गया, 0 हो गया, इधर गया आपको माइनस, माइनस वन कैंसिल कर दिए। अब आपको थोड़ा स्वभाव कर देते हैं, अब आपका अंडर रूट 9x² माइनस 4 इंटू अंडर रूट 16x² माइनस आपका 9/ ये आपका 3x ये हो गया 4x तो 12x² इधर आपका आ गया 1/1 आपका 2x² 2x² तो आपका ये हो गया अंडर रूट 9x² माइनस 4 इंटू अंडर रूट 16x² माइनस 9 इज इक्वल टू 12x² 2x² ये डिवीजन में इधर कर दिए, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, कैंसिल कर दीजिए आपका क्या हो गया 6 आपका ये आपका 6 हो गया। अब आपको स्क्वायरिंग इन बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो आपको 9x² माइनस 4 इंटू 16x²
माइनस नाइन इक्वल टू 36, स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड। अब आपको मल्टीप्लाई कर दें, 144x स्क्वायर, ये आपका हो गया 64x स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 36। कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 144x स्क्वायर, ये हो गया 145 आपका x स्क्वायर। यहाँ हुआ, यहाँ x^4 होगा, x^4 आपका एक आपको कैंसिल कर दिए, ये हो गया 0। अब आपका x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आपका x स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 144x स्क्वायर माइनस 145 इक्वल टू 0। इससे x का वैल्यू 0 एंड 144x स्क्वायर इक्वल टू 0, देन आपका x इक्वल टू 0 और 144x स्क्वायर माइनस 145 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या निकला, प्लस माइनस अंडर रूट 145 बाई 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12। अब देखिए यहाँ लिख दिया है x इज ग्रेटर देन 3/4, सिंस आपका x इज ग्रेटर देन 3/4, आपको x इज ग्रेटर देन 3 आपको दिया हुआ है। देखिए x इज ग्रेटर देन 3/4 क्वेश्चन में, मतलब आपका x इज नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 नहीं होगा एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस अंडर रूट 145 बाई 12, ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया, x का वैल्यू अंडर रूट 145 बाई 12, ये आपका x का वैल्यू हुआ। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका सी इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको डील करेंगे। आज जेई मेंस का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है वही सब क्वेश्चन हम बतला रहे हैं आपको। ये आपका जनवरी अटेम्प्ट का है, 9 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस, आपको ये आपको कॉस इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2, हेयर x इज ग्रेटर देन 4, देन आपका x इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन से आपको हल करना है। ये हम लिखे हैं, यह अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए फार्मूला यहाँ क्या यूज होगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y². यदि यहाँ माइनस रहता तो आपको कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स xy प्लस आपको अंडर रूट 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y² ये यूज करते, तो आपका अब इसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है कॉस इनवर्स। अब आपका यहाँ यूज कीजिए, इसको x सपोज कीजिए, इसको y, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये यही फार्मूला का यूज किया जाएगा। कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² x ये है तो 4/9x² इंटू 1 माइनस y² y ये है 9/16 आपका x² इक्वल टू π/2, देन आपको कैंसिल कर देते हैं तो आपका हो गया 1/2x², 1/2 से 2 कैंसिल कीजिए 4,
और 3 3 आपका 2x² हो जाएगा, माइनस थ्राइस को भी सॉल्व कर देते हैं, 9x² माइनस 4y आपका 9x² इंटू अंडर रूट 16x² माइनस 9/16x² इक्वल टू आपको कॉस पाई बाई टू। कॉस इन्वर्स है, राइट साइड कर दिए तो कॉस आपका कॉस पाई बाई टू का वैल्यू आप जानते हैं आपका 0। अब आपको इसी को सॉल्व कर देना है, आपका अंडर रूट 9x² माइनस 4/9x² इंटू 16x² माइनस 9/16x² इज इक्वल टू आपका 1/2x². ये क्या हो गया, 0 हो गया, इधर गया आपको माइनस, माइनस वन कैंसिल कर दिए। अब आपको थोड़ा स्वभाव कर देते हैं, अब आपका अंडर रूट 9x² माइनस 4 इंटू अंडर रूट 16x² माइनस आपका 9/, ये आपका 3x, ये हो गया 4x, तो 12x² आ, इधर आपका आ गया 1/1 आपका 2x² तो आपका ये हो गया अंडर रूट 9x² माइनस 4 इंटू अंडर रूट 16x² माइनस 9 इज इक्वल टू 12x² बाई 2x², ये डिवीजन में इधर कर दिए, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या हो गया 6, आपका ये आपका 6 हो गया। अब आपको स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो आपको 9x² माइनस 4 इंटू 16x² माइनस 9 इक्वल टू 36, स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड। अब आपको मल्टीप्लाई कर दें, 144x² ये आपका हो गया 64x² माइनस 81x² प्लस 36 इज इक्वल टू 36, कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 144x² आ ये हो गया 145 आपका x² यहाँ हुआ, यहाँ x^4 होगा, x^4 आपका एक आपको कैंसिल कर दिए, ये हो गया 0। अब आपका x² कॉमन ले लेते हैं, आपका x² कॉमन ले लिए तो 144x² माइनस 145 इक्वल टू 0, इससे x का वैल्यू 0 एंड 144x² इक्वल टू 0, देन आपका x इक्वल टू 0 और 144x² माइनस 145 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकला, प्लस माइनस अंडर रूट 145 बाई 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2x। अब देखिए यहाँ लिख दिया है x इज ग्रेटर देन 3/4, सिंस आपका x इज ग्रेटर देन 3/4, आपको x इज ग्रेटर देन 3 आपको दिया हुआ है, देखिए x इज ग्रेटर देन 3/4 क्वेश्चन में, मतलब आपका x इज नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 नहीं होगा एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस अंडर रूट 145 बाई 12, ये भी नहीं होगा, तो क्या बच गया, x का वैल्यू अंडर रूट 145 बाई 12, ये आपका x का वैल्यू हुआ, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका सी इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको डील करेंगे। एक्स का ग्राफ मॉड है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू किसके इंटरवल में है, 0 से पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव आ होगा, लेकिन मॉड है तो आपका पॉजिटिव
अब इसका ग्राफ देखिए, यह एक्स वाई ये ओरिजिन हो गया, जीरो जीरो ओरिजिन, ये वाई डैश। कॉस का ग्राफ क्या होता है, आपका डिक्रीज करता है, इस प्रकार से डिक्रीज किया आप, फिर आपको यहां से आपको पाई बाय टू तक, पाई बाय टू तक डिक्रीज करेगा, फिर इस प्रकार से इंक्रीज करेगा। कहां तक इंक्रीज करेगा, आपको पाई तक। मॉड है, इस कारण से इस प्रकार से आपका ग्राफ बनाया गया है, मॉड है आपको। अब आपका इसका वैल्यू निकालना है, आपका क्या दिया हुआ है, फ्रॉम जीरो टू पाई मॉड कॉस एक्स टू द होल पावर थ्री इंटू डी एक्स, ये है। अब आपको इसको आप पीरियोडिक फंक्शन है तो आपको पीरियोडिक फंक्शन है तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, आपको पाई बाय आप टू, टू से मल्टीप्लाई कर दिए, टू से डिवाइड कर दिए, फ्रॉम जीरो टू पाई आपको इसको हम लिख सकते हैं आपका कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब हम बोले डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, टू पीरियोडिक फंक्शन में साइन एंड कॉस है, वन बाई टू वन, यहाँ कॉस है वन बाई टू को अपर लिमिट में मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय टू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है, अब यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, आप जानते होंगे कॉस थ्री एक्स, आपको टिर्गो का आपको करना है इंटीग्रेशन, तो आपको टिर्गो का पावर को इलिमिनेट कीजिए, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करें। कॉस थ्री एक्स इक्वल टू आप जानते हैं फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, देन कॉस क्यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स बाई फोर, इसका वैल्यू ये रख देते हैं, ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको टू इंटू फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू कॉस क्यू एक्स का वैल्यू ये रखते हैं, टू बाई फोर आपका कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपका वन बाई टू, वन बाय टू, वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ अकाल इंटी, अब आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है थ्री से डिवाइड कीजिए, फिर कॉस का इंटीग्रेशन साइन, आपको लिमिट क्या है जीरो टू पाई बाय टू, वन बाय टू अब बैठाइए साइन वन बाय टू, सॉरी वन बाय थ्री साइन, अपर लिमिट क्या हो जाएगा थ्री पाई बाय टू प्लस थ्री साइन आपका जी, आपको पाई बाय टू अपर लिमिट रख दिए, माइनस लोअर लिमिट एक्स का वैल्यू जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो। अब साइन थ्री पाई बाय टू, इसको समझिए साइन, साइन थ्री पाई बाय टू साइन आपका, साइन थ्री पाई बाय टू को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय टू, पाई बाई टू को आप एक्यूट एंगल समझें, साइन वन एट्टी प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा,
इसका वैल्यू क्या निकल गया, माइनस वन, तो वन बाय टू, इसका वैल्यू माइनस वन, वन बाय थ्री प्लस थ्री, यही आपका हो गया नाइन माइनस वन एट बाय थ्री, नाइन माइनस वन एट बाय थ्री वन बाय टू, यही आपका आंसर हुआ फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री यही आपका इसका आंसर। ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन क्या है, डी है, फोर बाय थ्री इसका यही आपका ऑप्शन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फोर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस वन, हियर एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन क्या है नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है एक्स के रेस्पेक्ट। तो इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन ऑप्शन आपका इसका सही है आपको देखना है। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू आपको साइन साइन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, ये है वो। अब हम एंगल जो है एंगल सपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थीटा, फॉर्म चेंज कर रहे हैं, थीटा के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर जो एंगल है एंगल को मान लिए सपोज कर लिए थीटा। अब आपको डिफ्रेंशिएट इन बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, टू एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स, कॉन्स्टेंट का जीरो और थीटा का डी थीटा, तब आपको आ गया एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई टू, ये आ गया। आप फॉर्म चेंज कीजिए, ध्यान देंगे आपका, देखिए एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका फॉर्म थीटा का फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई टू, तो हाफ कर दिए, डी थीटा बाद में लिखेंगे। अब इसका फॉर्म जो है उसको चेंज कर रहे हैं, टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, यहाँ आपको डी थीटा, डी आपको एक्स डी एक्स का वैल्यू डी थीटा बाई टू, वन बाई टू लिखे यहाँ डी थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ कॉमन लीजिए, टू साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो वन माइनस कॉस थीटा और बाई टू साइन थीटा, सोल्व करते जाइए टर्म में जो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, कैंसिल कीजिए टू साइन थीटा टू साइन थीटा, अब बचा वन बाय टू, अब आपको वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी डी थीटा, अब हुआ टू टू कैंसिल कर दिए, साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, यही आपका फाइनली वन बाय टू आपका टेन थीटा बाई टू। टेन का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हैं, लॉग मोड सेक थीटा, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन साइन थीटा, कॉट कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मोड साइन थीटा, टेन का लॉग मोड सेक थीटा,
हाफ लॉग मॉड सेक थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है, थीटा बाई टू। अब वह देख रहे हैं थीटा का कोफिशिएंट क्या है, वन बाई टू, वन बाई टू से डिवाइड कीजिए प्लस सी, सी क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है, वन बाई टू कैंसिल कर दिए, सी क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लॉग सेक थीटा का वैल्यू क्या आपको क्या है, थीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन, रखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस सी, फिर सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। ये कौन ऑप्शन हुआ आपको, लॉग लिखे, लॉग यहाँ देखिए ये नहीं लिखे हैं, मतलब ये नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये हाइड है आपका। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन या लिमिट सोल्व करते हैं तो आपको लॉग के बेस में ही रहता है, तभी उसका लॉग आपको लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स बोलते हैं, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग लॉग एक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन आपका ये आपका लॉग ये सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपको एक्स स्क्वायर माइनस सेक एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस सी की ऑप्शन होगी आपका बी होगी। इस तरह तरह से आपको सोल्व करना आपका, इफ वाई इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेटिस्फाइंग वाई वन इक्वल टू वन देन वाई हाफ इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो वह डिफरेंशियल ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है, फर्स्ट आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, फर्स्ट टाइप का आपको वाई है तो यहाँ आपको वाई पी आर क्यू कोई भी फंक्शन हो कांस्टेंट रहे, या आपको कांस्टेंट फंक्शन नहीं रहे कोई भी फंक्शन हो सकता है आपको, जब आपको यहाँ वाई है तो पी के साथ क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। जब ये इस यह फॉर्म रहेगा तब इसका इंटीग्रल फैक्टर आपको निकालना है इस फॉर्मूला से, आपको ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन वाई वाई इंटू वाई है वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर अब इज इक्वल टू, अब आपको इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी, इस पर सेट करेंगे सीवियर सी द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। सेकेंड टाइप का दो टाइप का ही मेनली रहता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हुआ क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड टाइप, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई आपका डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस टाइप का रहेगा। यहाँ देख रहे ऊपर में एक्स है तब पी के साथ एक्स पी आर क्यू कोई भी फंक्शन रहेगा, जब यह फॉर्म रहेगा तब इंटीग्रल फैक्टर इस प्रकार से निकालिएगा, ए टू द पावर आपका पी डी वाई, यहाँ डी वाई लिखेंगे, पी का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट करना है, और इसका सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन लिखेंगे एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी वाई प्लस सी, फिर सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। यही आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यही दो फॉर्म होता है। अब आपको मैथ बतला रहे हैं, मिटा देते हैं, ये लिख दिए मिटा देते हैं, प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचान है डी वाई बाई डी एक्स रहे या डी एक्स बाई डी वाई, आपको जो फॉर्म लिखे उसमें देखे डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई भी वेरिएबल आपका नहीं है, वेरिएबल रहे या कांस्टेंट कुछ भी आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स के साथ वन कोफिशियंट छोड़कर कोई भी आपका वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी नहीं रहे, यदि है तो इसको यहाँ से हटाइए नियम के साथ एक्स है तो आपको एक्स से लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड कर देते हैं
तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका टू बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स, फॉर्म इसका हो गया यही डी वाई बाई डी एक्स, अभी लिखे थे पी वाई इक्वल टू क्यू। हम बोले थे p और q कोई भी फंक्शन हो सकता है, अब p का वैल्यू आपका 2 बाई एक्स और q का वैल्यू x, लिख देते हैं p का वैल्यू 2 बाई एक्स एंड q का वैल्यू आपका x। अब इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इन e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स, पी का वैल्यू टू बाई एक्स इंटू डी एक्स आपको टू वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स या लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स या लॉग एक्स बोलिए, पावर आपको ये टू मल्टीप्लाई आपको पावर में चेंज हो जाएगा, ये और लॉग कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये अलाव कैंसिल कर दिए एक्स स्क्वायर, यही इंटीग्रल फैक्टर निकला। अब आपको इंटीग्रल फैक्टर निकला, अब इसका सॉल्यूशन लिखिए, द सॉल्यूशन आपका क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू, क्यू क्या है क्यू एक्स इंटू डी एक्स, अब इसी का इंटीग्रेशन कर देना है बस हो गया, फिर आप प्लस सी, फिर सी द इंटीग्रल आपका कॉन्स्टेंट। अब आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर फोर बाई फोर प्लस सी, फिर सी द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ आपको लिखा हुआ है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको y y1 इक्वल टू वन, इसका अर्थ क्या हुआ, इफ द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू वन, यदि x का वैल्यू वन है तो y का वैल्यू वन होगा, इसमें पुट कीजिए, पुटिंग x इक्वल टू वन y इक्वल टू वन, रखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 प्लस c, तो c का वैल्यू निकल गया 1 माइनस 1 बाई फोर, c इक्वल टू 3 बाई फोर, ये आपका c का आपका इंटीग्रल कांस्टेंट का सर्टेन एक वैल्यू निकल गया। अब इसमें 1 में रख दिए, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स टू पावर फोर बाई फोर प्लस सी थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर। अब आपको ये आपका इनसे इतना ही रहने दीजिए, आप फिर यहाँ क्या कर रहा है, इफ आपको यहाँ इसका वैल्यू फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वन बाई टू देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यदि x का वैल्यू 1 बाई टू रहेगा तब y का वैल्यू क्या होगा, तो वो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू इसको एक्स स्क्वायर विधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फोर, एक्स स्क्वायर बाई फोर, एक्स स्क्वायर कर दिए नीचे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर। अब इसी में पुट कर देते हैं आपका, आपको x इक्वल टू क्या दिया हुआ, x इक्वल टू वन बाई टू, यदि x का वैल्यू वन बाई टू होगा पुट कीजिए आपका, तो y का वैल्यू क्या होगा, x को एक साइड कर दिए हैं, वन बाई टू कीजिए तो वन बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई क्या हो गया आपको फोर सिक्सटीन, ये आपका थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर आई हो गया फोर हो गया, कैंसिल कर दीजिए, वाई इक्वल टू आपका ये हो गया 49 बाई आपका 16, यही वाई का वैल्यू क्या निकल गया 49 बाई आपका 16, वाई इक्वल टू आपका 49 बाई
आपका 16, देखिए वाई का वैल्यू क्या है 49 बाय 16 आपका सी, इस तरह से बनाना है। यह आपका 3D का क्वेश्चन है, आपको द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -431, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से होकर पास करती है उस लाइन का। तो ये गिवेन पॉइंट आपका इसी को सपोज करेंगे x1 y1 z1, यह लाइन जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वह लाइन इस प्लेन का पैरेलल है तथा यह लाइन आपको इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है यह लाइन दोनों इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, दोनों लाइन पर स्थित हो, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑन आपका बोथ लाइंस, दोनों लाइन पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो इसके सहायता से हम, ये आपका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके सहायता से हम निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए यह कह रहा है यह आपका इस जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वह लाइन और गिवन लाइन दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, आपको इस लाइन पर जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उस लाइन पर भी स्थित रहेगा और गिवन लाइन पर भी आपका आपको स्थित रहेगा। इस प्रकार से यह पॉइंट क्या होगा, दोनों लाइन पर आपका सिचुएटेड है, स्थित है। तो इसके द्वारा हम आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। देखिए x प्लस वन बाई -3 y माइनस थ्री बाई 2 और z माइनस टू बाई माइनस वन कितना इक्वल टू लैम्डा, सपोज कर ली लैम्डा क्या स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको इच टर्म इज इक्वल टू लैम्डा, प्रत्येक टर्म लैम्डा के इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए -3 लैम्डा x प्लस वन बाई माइनस थ्री इक्वल टू लैम्डा, तो x इक्वल टू क्या होगा -3 लैम्डा प्लस फोर राइट सेक्टर देंगे माइनस वन y का वैल्यू क्या होगा, y -3/2 इक्वल टू लैम्डा, तो आपको 2 किधर कर देंगे 2 लैम्डा प्लस 3 मतलब इस टर्म इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा क्या स्केलर क्वांटिटी है, z इक्वल टू इस प्रकार क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस टू। इस प्रकार से ये निकल गया इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये आपको निकल गया इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो वह इंटरसेक्शन पॉइंट बोले इस लाइन पर भी स्थित रहेगा, इस लाइन पर भी रहेगा, तो आपको इस लाइन पर रहेगा, तो आपको यह लाइन आपका दो पॉइंट से होकर क्रॉस करती है, एक यह आपका पॉइंट और एक आपका यह पॉइंट, दो पॉइंट हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट, आपको इस लाइन पर भी रहेगा, इसलिए आपका दो आपका एक पॉइंट यह दिया हुआ, एक पॉइंट फाइंड किए इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों पॉइंट से आपको हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन रेशियो किसका, आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या किसको कहा जाता है, डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो ये आपका यहाँ देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट ये है, तो डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट आपका -3 λ -1 आपका माइनस क्या हो गया 4, इस प्रकार का सबट्रैक्शन कर रहा है, तो हर एक को इस तरह से करना है x1 - x2, इसको x, आपको इसको x1 मान लीजिए, इसको x2, इसको x1 y1 z1, तो इसको x2 y2 z2, x1 - x2
अब y1 वन माइनस वाई टू वाई टू लैमडा प्लस थ्री, यहाँ आपका y2 क्या है थ्री। आपको आगेर का निकाल, आपको आपको माइनस लैम्डा प्लस टू, और ये क्या है वन है तो माइनस वन। इस प्रकार से डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड हो गया माइनस थ्री लैम्डा प्लस थ्री, माइनस थ्री लैम्डा प्लस थ्री, माइनस थ्री लैम्डा प्लस थ्री टू लैम्डा, और आपको माइनस लैम्डा प्लस वन, ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब वह यह डायरेक्शन, यह आपका डायरेक्शन रेशियो निकला किस लाइन का, जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है वह लाइन और यह प्लेन दोनों क्या है पैरेलल है। जब लाइन और प्लेन पैरेलल रहेगा तब हम परपेंडिकुलर का कंडीशन लगावेंगे, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इक्वल टू आपका जीरो। जब लाइन तथा प्लेन पैरेलल रहेगा तो दो लाइन के आपका परपेंडिकुलर का कंडीशन या दो लाइन के दो दो पैरेलल के परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इक्वल टू जीरो। इसको एक को मान लीजिए ये आपका ए वन, ए वन बी वन ए सी वन, और लाइन आपको प्लेन, प्लेन आपका है प्लेन एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड, माइनस जेड माइनस फाइव जीरो। तब वह प्लेन का डायरेक्शन रेशियो किस डायरेक्शन रेशियो, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, द कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मतलब एक्स वाई जेड करके गुणांक को हम लोग प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। द कोफिशियंट ऑफ ये आपका एक्स वाई एंड जेड आपको आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन। एक्स का कोफिशियंट क्या है, आपको एक्स का कोफिशियंट आपका वन है, ए टू, ए टू से सपोज करते हैं ए टू इक्वल टू वन, यहाँ क्या किए ए वन बी वन सी वन। आपको वाई का कोफिशियंट को बी टू इक्वल टू टू, आपको जेड का कोफिशियंट को सी टू से। अभी बोले लाइन और लाइन तथा प्लेन पैरेलल रहेगा तब परपेंडिकुलर का कंडीशन लगावेंगे, और जब लाइन तथा प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा तो आपको पैरेलल का कंडीशन यूज करेंगे। यहाँ लाइन तथा प्लेन क्या है परपेंडिकुलर, आपको पैरेलल है उल्टा हो जाता है, लाइन और प्लेन जब पैरेलल रहेगा तब परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाइए, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इक्वल टू जीरो। अब बैठाइए ए वन ए टू मल्टीप्लाई की माइनस थ्री लैम्डा प्लस थ्री के साथ, अब टू लैम्डा प्लस टू फोर लैम्डा, अब आपको सी वन इंटू सी टू तो क्या है माइनस लैम्डा प्लस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो। इससे आपका क्या निकल गया फाइव लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा टू लैम्डा, आप प्लस थ्री माइनस वन क्या हो गया टू इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री लैम्डा प्लस फाइव लैम्डा इक्वल टू टू लैम्डा, थ्री माइनस वन टू, तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकल गया माइनस वन, लैम्डा का वैल्यू निकल गया हमें। अब आपको हमें क्या निकालना है, आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है, तब आपको ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, इसमें बिठा देते हैं डायरेक्शन रेशियो, इस इसी लाइन का निकालना था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो
क्या हो जाएगा, आपको माइनस थ्री लैम्डा का वैल्यू क्या है, माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसमें बिठा रहे हैं बुआ, माइनस माइन टू माइनस प्लस थ्री आपका सिक्स, इसको आपको ये मान लेते हैं सिक्स। अब आपको लैम्डा का वैल्यू माइनस वन माइनस टू, लैम्डा का वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस आपका टू, ये हो गया आपको डायरेक्शन रेशियो। अब जिस इस पॉइंट से जाने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका डायरेक्शन रेशियो ये निकल गया, तो आपको द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई एल, एल का मतलब ए बाई मोड आर, मतलब डायरेक्शन रेशियो बाई हाइपोटेनियस, आपको y माइनस वाई वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसे रुक जाओ, ऐसे कर लेते हैं एल एम एन जेड माइनस जेड वन इक्वल एन। अब आपको एल इक्वल टू एल है बुआ, एल इक्वल टू सिक्स बाई मॉडर एम इक्वल टू, देखो ये आपका एक्स के लॉन्ग्स आपका बेस हुआ आधार, आ ये आपका मॉडर मान लिया कर्ण, तो एल आपका सिक्स बाई कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो बेस सिक्स और कर्ण आपको मॉडर का हाइपोटेनियस इक्वल रहेगा। अब एम माइनस टू बाई मॉडर एन इक्वल टू आपका एन इक्वल टू टू, देखिए यहाँ यहाँ आपको हाँ टू बाई मॉडर लिख दीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप देखिए निकालिए एक्स माइनस एक्स वन, ये जो पॉइंट जो दिया हुआ है इसी को या इसी को जो पॉइंट गिवन रहेगा उसी को एक्स वन वाई वन जेड वन मानना है, एक्स वन माइनस फोर वाई वन थ्री और जेड वन वन, एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन का वैल्यू माइनस फोर लिख देता है पहले ऊपर वाला, और वाई माइनस वाई वन का वैल्यू आपका थ्री है इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, जेड वन का वैल्यू वन। अब डायरेक्शन रेशियो एलेमेन जो है रख दीजिए, डायरेक्शन को एलेमेन डायरेक्शन को साइन का नोटेशन है सिक्स बाई मॉडर माइनस टू बाई मॉडर टू बाई मॉडर, मॉडर मॉडर कैंसिल कर दें, एक्स बाई फोर बाई सिक्स y माइनस थ्री बाई माइनस टू जेड माइनस वन बाई टू, रेशियो है तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाइए, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, x प्लस डायरेक्शन रेशियो है बार टू से कैंसिल कीजिए स्मॉलेस्ट फॉर्म थ्री y माइनस थ्री माइनस वन आइए हो गया जेड माइनस वन बाई वन, मतलब कितना से कैंसिल कर दिया टू से कैंसिल, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यही आपका ये आपका सिमेट्रिक फॉर्म में हो गया, ये आपका सिमेट्रिक फॉर्म में हो गया। यदि कहेगा वेक्टर फॉर्म में आपका इक्वेशन निकालना है वेक्टर फॉर्म में, ऐसा तो बॉयज का आंसर आपका क्या हो गया एक्स प्लस फोर बाई थ्री आपको वाई माइनस थ्री बाई माइनस वन जेड माइनस वन बाई वन आपका ये आपको एक्स प्लस फोर बाई थ्री वाई माइनस थ्री बाई माइनस वन जेड माइनस वन बाई वन, ये ऑप्शन ए हो गया ऑप्शन ए। आप यदि इसको इसी को कहेगा वेक्टर फॉर्म में, यदि वेक्टर पर ये सिमेट्रिक फॉर्म में है, यदि वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो इस प्रकार से इसका वेक्टर फॉर्म का होता है आपको आपको वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस लैम्डा वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ऑफ ए, फिर लैम्डा इज ए स्केलर क्वांटिटी सब निकला हुआ, ए क्या है
ये आपका ये पोजीशन फैक्टर किस पॉइंट का होगा, जिस पॉइंट से आपको लाइन पास करती है। तो यह पॉइंट था, इसको इसको फैक्टर में चेंज कर देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट के साथ आपका जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप प्लस लैम्डा। आप बी माइनस ए क्या है, डायरेक्शन रेशियो है जो हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये आपका 3-1 हुआ। आपको x के नीचे है, इसके साथ रखिए आई कैप मल्टीप्लाई करें, ये आपका y के नीचे -1 है, माइनस जे कैप और आपको गेट के नीचे 1 है तो प्लस के कैप। फिर लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इस तरीका से आपको दोनों फॉर्म में आपको बतला दिए, बहुत सिंपल है।